हेलो गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग एवरी वन आप लोग सोच रहे हो मैडम जी ने आज बड़ा इंतजार करा दिया मैं सोच रही थी कि आज मैं आंट क्रूवेला वाला रोल प्ले करूंगी। आज मैं थोड़ा सा पाँच सात मिनट लेट जा रही हूँ कि मेरे बच्चे मुझे डेली बहुत परेशान करते हैं डेली बहुत लेट होते हैं आज मैं लेट जाती हूँ देखते हैं कैसा फील आता है सो हाउ इज द टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन कैसा लगा आपको पहले ये बताओ ऐसा मुझे डेली लगता है आके मैं खड़ी हो जाती हूँ और धीरे 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 करके सब लोग ऐड होते रहते हैं मैं डेली वेट करती रहती हूँ है ना कैसा लगा पहले आपको ये बताओ वेट करके बहुत बेकार लगा होगा ना मुझे सोचो मुझे डेली इतना बेकार लगता है मैं खड़ी रहती हूँ और धीरे धीरे करके लोग आते रहते हैं लोगों को लगता है कि यूट्यूब की क्लास है तो उतनी सीरियस नहीं है भैया हमारी पेड क्लास हो चाहे यूट्यूब क्लास हो दोनों हमारे लिए बराबर होती है तो अगर हम सीरियस हैं तो फिर आप क्यों नहीं और मुझे कैसे पता चलता है आप सीरियस नहीं हो पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर को ज्वाइन करते हैं फाइव थर्टी पे लेक्चर शुरू होता है पाँच बजे लेकिन वो लोग साढ़े पाँच पे ज्वाइन करेंगे आई डोंट नो वाई मुझे ये ये रीज़न ही मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग बट ऐसे ही करते हैं यार ऐसा नहीं करना मैम प्लीज़ अह अच्छा जी तो फिर सब लोग टाइम पे आएंगे प्रॉमिस करो प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट सेशन से सब लोग एग्जैक्टली टाइम पे आएंगे तो फिर मैम ऐसा कभी नहीं करेंगी पहले प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग अभी आए हैं सब लिख के कमेंट करेंगे प्रॉमिस मैम अगली बार से हम बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे जल्दी से प्रॉमिस करिए आपकी तो ये जो पंक्चुअलिटी की आदत है ना कसम से ज्यादा नहीं लेकिन अंग्रेजी की क्लास करते करते आपकी पंक्चुअलिटी की भी आदत हो जाएगी हर एक चीज में आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो जाओगे ऐसी आपकी आदत पड़ेगी पंक्चुअलिटी की सही में ऐसा आपको लगेगा <laughs> कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि मैम हम तो पांच बजे आ जाते हैं हमारी क्या गलती अच्छा चलो मजाक कर रही थी मैं लेट इसलिए नहीं हुई मैं लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि बोर्ड नहीं ऑन हो रहा था ठीक है परेशान मत होइए चलिए अभी लेक्चर शुरू करते हैं लेट्स नॉट वेस्ट टाइम फंडामेंटल्स का बैच है एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में टाइम लिख के बता दो देखो जब हम कोई भी चीज डेली करते रहते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है तो जब हम डेली लिखते रहेंगे ना पांच बजे पांच बजे पांच बजे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा जैसे मेरा सुबह वाला लेक्चर होता है मेरा सुबह सात बजे लेक्चर होता है सेवन ए पे द हिंदू का सात बजे होता है ठीक अब वो ना लर्नर्स के दिमाग में ये टाइम बस गया है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लेक्चर हो ही रहा है तो वैसे ही पांच बजे का भी टाइम आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा सब लोग लाइन से कॉमेंट सेक्शन में फाइव पीएम लिख के मुझे दिखा दीजिए लाइन से सभी लोग लाइन से फाइव पी लिख के मुझे दिखाइए जितनी जल्दी आप 5 पीएम लिखोगे उतनी जल्दी चीजें सारी शॉर्ट हो जाएंगी आपकी लेकिन स्पीड में लिखिएगा भाई तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा स्पीड में लिखिए थोड़ा और तेज अभी भी सबका 5 पीएम नहीं आया है सबका आना चाहिए 5 पीएम लाइन से सभी का चलो अब आपको टाइम धीरे धीरे याद हो जाएगा आज हमें करना है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन तो देखो जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करते हैं सबसे पहले तो ऐसा समझिएगा जैसा कि मैंने आपसे बोला स्टार अब आप मुझे बताओ स्टार्स जो होते हैं आसमान में तारे होते हैं ना तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है आंसर दे के बताइए कि आपके सेंटेंस में जो ये लिखा है स्टार आपकी स्क्रीन पे मैंने स्टार लिखा है अब ये स्टार काउंटेबल है या तो फिर अनकाउंटेबल है लिख के बताएंगे सभी लोग काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है स्टार काउंटेबल है स्टार अनकाउंटेबल है समझना अच्छे से स्टार आपका काउंटेबल नाउन है स्टार आपका काउंटेबल नाउन है आप स्टार बोलो या फिर स्टार्स बोलो ठीक है अनकाउंटेबल नाउन नहीं है तो यहां से एक नई डेफिनेशन आज आप लोग सीखिए बहुत से लोगों को लगता है काउंटेबल का मतलब होता है वो चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल का मतलब होता है वो चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते अभी तक बस इतनी डेफिनेशन आपको पता थी अब थोड़ा गहराई में जाके समझिए तब आपको समझ में आएगा स्टार काउंटेबल क्यों है क्योंकि काउंटेबल की असली डेफिनेशन ये होती है कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी काउंट जिस काउंटिंग शुरू करी जा सके तो अगर काउंटिंग शुरू करी जा सकती है तो वो काउंटेल है और अगर काउंटिंग शुरू नहीं करी जा सकती है तो फिर वो अनकाउंटेबल है ठीक है शुरू देखो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास दस चीज है तो हमें दस का दस काउंट करके बताना है कि कमरे में कितनी चीजें हैं कमरे में दस चीजें हैं काउंटेबल का असली मतलब ये नहीं होता है बेटा काउंटेबल का मतलब होता है अगर किसी चीज की काउंट करने की हम शुरुआत कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है और अगर हम काउंट करने की शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो फिर वो अनकाउंटेबल है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ये मतलब होता है ठीक है अब स्टार्स की बात आई स्टार्स को हम काउंट करना शुरू कर सकते हैं आप बताइए स्टार्स को हम काउंट करना शुरू कर सकते हैं बिल्कुल आज जब रात होगी देखना आसमान में जब तारे आएंगे आप काउंट करना शुरू कर सकते हो हाँ आप एंड नहीं कर सकते हो आप टोटल नहीं बता सकते हो कि आसमान में टोटल कितने तारे हैं यह आप नहीं बस आ, बता सकते हो लेकिन काउंटिंग करना शुरू तो कर सकते हैं तो बस यही होता है काउंटेड नाउन एक ऐसा नाउन होता है जब हम काउंटिंग करने की शुरुआत कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है और अगर हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल है जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वॉटर अब आप बताओ क्या वॉटर को हम काउंट करना शुरू कर सकते हैं नहीं तो वॉटर हमारा काउंटेबल नाउन नहीं होगा वॉटर अनकाउंटेबल नाउन होगा ठीक है बात समझ में आ गई काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच का फर्क आओ और डिटेल में समझते हैं पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है हर वो चीज देख लो काउंटेबल कैट को आप काउंट कर सकते हो डॉग को कर सकते हो माइस बुक हाउस इन सब चीजों को हम देखो काउंट कर सकते हैं देख लो काउंट कर सकते हैं नहीं फिर से डेफिनेशन दोबारा बोलिए काउंट करने की शुरुआत कर सकते हैं है तो किसी चीज को अगर आप काउंट कर सकते हो या काउंट करने की शुरुआत कर सकते हो तो हर वो चीज आपकी काउंटेबल होती है कोई भी दुनिया की चीज़ उठा लो अगर आप उसको काउंट करने की शुरुआत कर सकते हो तो वो काउंटेबल है और काउंट करने की शुरुआत नहीं कर सकते हो तो वो अनकाउंटेबल है जैसे कि वाटर एयर शुगर अच्छा शुगर शुगर राइस इन सब चीजों को हम अनकाउंटेबल क्यों बोल रहे हैं अब आप अब आपका यहाँ पे समझ में आएगा कि हम लोगों ने जो फर्स्ट सेशन में किया था वो क्या था वो आपको अब समझ में आएगा तो बताइए मैंने यहां पे लिखा है कि भाई ये शुगर, शुगर और मैंने इन दोनों के सामने अनकाउंटेबल नाउन क्यों लिखा शुगर और राइस के सामने मैंने अनकाउंटेबल नाउन क्यों लिखा बताइए शुगर और राइस के सामने मैंने अनकाउंटेबल नाउन क्यों लिखा सभी लोग बताएं इस चीज को क्यों लिखा है बताइए मैम मैंने स्टेनो 2024 वाला कोर्स परचेज कर लिया है इंग्लिश आप ही पढ़ाएंगी बिल्कुल जी इंग्लिश हम ही पढ़ाएंगे आपको हमारा साथ इतनी जल्दी नहीं छूटेगा सिलेक्शन के बाद ही हमारा साथ छूटेगा और शायद तब भी ना छूटे क्योंकि आप लोग मिठाई लेके आओगे है ना लेक्शन की बाद वाली मिठाई एक ऐसी मिठाई होती है जो वजन नहीं बढ़ाती है बाकी हर मिठाई मेरा वजन बढ़ा देती है सच में <laughs> अरे लिटरली ट्राइड सच्ची क्या होगा मैंने शुगर और राइस को अनकाउंटेबल नाउन क्यों बोला है असली जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं अगर कोई भी नाउन अब्सट्रैक्ट नाउन है अगर कोई भी नाउन मटीरियल नाउन है या प्रॉपर नाउन है प्रॉपर तो ही दो प्रॉपर तो बहुत सिंपल होता है कि भाई किसी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया मेन सवाल यहां से बनते हैं कि अगर कोई भी नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है तो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं ठीक है तो कभी भी आपको अगर कोई नाउन मटेरियल नाउन लगे या फिर अबस्ट्रैक्ट नाउन लगे तो अपने आप उसको अनकाउंटेबल नाउन समझ लेना आपका जो पूरा सफर है नाउन पढ़ने का वो बहुत आसान हो जाएगा ठीक है तो अगर कोई भी मटेरियल हमको सेंटेंस में दिख रहा है तो हम उसको भी अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है हर वो चीज जिसको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं जैसे आपकी फीलिंग हो गई लव हो गया काइंडनेस हो गया ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कैसे बनते हैं अगर हमारे शब्द के एंड में आई ओ एन आई टी वाई और क्या आता है लिख के बताओ अगर हमारे शब्द के एंड में क्या क्या आता है जिसको हम देख के तुरंत तुरंत समझ समझ जाते हैं कि कि भाई ये शब्द शब्द तो नाउन है बताओ के के एंड में क्या क्या आएगा जिसको देख के हम समझ जाएंगे कि जो शब्द है वो हमारा अब्सट्रैक्ट नाउन है बताइए बताइए मत लिखिए कमेंट सेक्शन में देखो ज्यादा से ज्यादा पता है क्या होगा जो आपने लिखा है वो गलत होगा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा तो गलत होगा तो होने दीजिए उससे फर्क ही क्या पड़ता है मैं हूं ना आपको सही करने के लिए लेकिन फर्क तब पड़ता है कि अगर इंसान कमेंट ही नहीं कर रहा है तो अगर आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो वहां पे चीजें भाई गड़बड़ हैं लेकिन अगर आप कमेंट कर रहे हो बहुत ही अच्छे से कमेंट्स कर रहे हो तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप कॉमेंट करते रहो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाइस Very nice, बहुत बढ़िया मतलब लगता भी है कि आप लोग यहाँ आए हो तो सच में पढ़ाई करने के लिए आए हो क्योंकि मुझे जिस तरीके से आपके कमेंट्स दिखते हैं और जब आपकी स्पीड दिखती है ना मजा आ जाती है भाई बहुत बढ़िया परफेक्ट वंडरफुल ये चीज देख के मुझे मजा आती है सभी का आंसर तैयार है तो अगर हमारे शब्द के एंड में ओ एन आई टी वाई आई एस एम एन डबल एस और फिर क्या होता है चाइल्डिश बुकिश आई एस एच हो गया एन ई डबल एस हो गया फिर ए जी ई परसेंटेज बैगेज लगे मशीनरी पोइट्री फिर एम ई एन टी हो गया और होता है हमारे पास ए एन सी ई एन सी ई फिर लाइवलीहुड चाइल्ड हुड ब्रदरहुड मदरहुड हुड वाले सारे शब्द हो गए तो कभी भी हमारे मतलब जब भी नाउन आएगा और नाउन काइंड अगर इससे हो रहा है तो उसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं ठीक है तो कभी भी आपके पूरी लिस्ट में चाहे मैं आपको चार पन्ने की लिस्ट दूं, चाहे दो पन्ने की अगर कोई भी नाउन अबस्ट्रैक्ट नाउन है कोई भी नाउन या तो फिर मटीरियल नाउन है तो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन ही बोलते हैं भाई ये जानना बहुत जरूरी है वरना आपकी आधी जिंदगी निकल जाएगी ये समझने में कि राइस शुगर हम इसको अनकाउंटेबल नाउन क्यों बोलते हैं मेरे से एक बंदे ने सवाल पूछा था कि मैम ये जो हेयर है ना हेयर हेयर को मैंने अलग 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 कर लिया हेयर को हमने अनकाउंटेबल नाउन बोला राइस मेरे जब प्लेट में चावल आते हैं अगर आपने मुझे एक मुट्ठी चावल दिया और मैं पूरा दिन लगा के गिनूं हर एक चावल के दाने को अलग अलग तो मैं तो उसको काउंट कर लूंगा तो वो तो काउंटेबल नाउन हुआ आप अनकाउंटेबल नाउन क्यों बोलती हो ये रीजन है ठीक है कि कभी भी कोई चीज अगर मटेरियल है चाहे वो वुड हो चाहे राइस हो चाहे शुगर हो चाहे टी हो चाहे ऑयल हो अगर कोई मटेरियल है तो वो अनकाउंटेबल नाउन ही होगा अगर कोई हमारे पास मटेरियल है तो वो अनकाउंटेबल नाउन ही होगा या फिर अगर कोई फीलिंग है मतलब अगर हमारा शब्द सेंड हो रहा है तो भी वो अनकाउंटेबल नाउन ही कहलाता है ठीक है तो ये दोनों चीजें याद रखना तो बहुत ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी जैसे कि अब ये इतना लंबा है अब मैं आपसे कह दूं भाई जाओ रट लो इसको Usually मैंने देखा है ऐसी करते हैं लोग कि आपके सामने ऐसा पूरा चार्ट दिया और बोला कि भाई जाओ इसको रट लो अगर तुम्हारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई भी वर्ड आएगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन है पर क्या बताओ सच बताना सच्ची में अगर आप बरखा माम की आर्मी हो तो क्या आपको इसको याद करने की जरूरत है मुझे इंप्रेस करने के लिए बिल्कुल मत बोलना क्योंकि मैं तो इंप्रेस हो जाऊंगी लेकिन फिर नौकरी के लाले पड़ जाएंगे सच बोलना सच्चाई का साथ देना कि भाई क्या आप मुझे सच सच बताओ कि आपके सामने अगर इतना बड़ा पूरा चार्ट है तो आपको क्या ये याद करने की जरूरत है चलो देखते हैं याद करने की जरूरत है कि नहीं हेयर अनकाउंटेबल नाउन है सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नाउन का एंड अगर आई ओ एन ए जी ई ए जी ई ई आर वाई आर वाई एम ई एन टी आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई तो भाई एक दो तीन चार पाँच छ और सिक्स थ्री जटीन अठारह टोटल थे अठारह में से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस तो हमारे तुरंत याद ही हो गए बचा क्या आठ अब हमारे पास आठ बचा है इसको भी देख लेते हैं वर्क वर्क को भी आप नहीं गिन सकते हो मनी को भी आप नहीं गिन सकते हो फर्नीचर भी मटीरियल है आप बता अगर मैंने बोला मेरे यहाँ बहुत फर्नीचर है तो क्या आप बता पाओगे कि बहुत ढेर सारी टेबल है या बहुत ढेर सारा चेयर है तो जो चीज़ आप बता नहीं सकते हो जिस चीज पे आपकी श्योरिटी नहीं है तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है जैसे मैंने बोला मेरे घर में बहुत ढेर सारी चेयर है तो आपको पता होगा कि मैं चेयर की बात कर रही हूँ लेकिन अगर मैं बोलूंगी मेरे घर में बहुत ढेर सारे इक्विपमेंट हैं या फिर बहुत ढेर सारे फर्नीचर हैं उस केस में आपको नहीं पता होगा कि मैं कौन से फर्नीचर की बात कर रही हूँ तो फर्नीचर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा ये भी हो गया शैतानी शैतानी को क्या हम काउंट कर सकते हैं ये चा, इसने चार किलो शैतानी करी लेकिन इसने दो ही किलो शैतानी करी इसने दस शैतानी करी लेकिन इसने सिर्फ सात ही शैतानी करी मिस्चीफ शैतानी इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है तो इतनी बड़ी जो हमें बड़ी सी लिस्ट दिख रही थी हेयर हेयर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है बिकॉज हेयर इज ऑल्सो अ मटीरियल और कोई भी मटीरियल हो या कोई भी अबस्ट्रैक्ट uh, नाउन हो दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ये पूरी की पीढ़ी जो इतनी लंबी लिस्ट थी सच बताना क्या आपको याद करनी पड़ी या तो फिर ये पूरी की पूरी लिस्ट इस वाले लॉजिक से याद हो गई अनकाउंटेबल नाउन कुछ अलग थोड़ी ना होता है अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है वो चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है अब्सट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो यही सब चीजें हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं बस ये होता है मुद्दा तो सच में बताओ जितने लोग बरखा मैम की आर्मी में आ चुके हैं अच्छा ये भी छोड़ो लाइक बटन पे क्लिक करके बताओ अगर आपको पूरा पूरा का पूरा ये चार्ट क्लास में ही याद हो गया एक 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 लाइक तो बनता है हर एक बच्चा एक एक बच्चा लाइक करेगा अगर उसको याद हो गया है तो आप मेरे मुंह से कभी ये नहीं सुनोगे चलो जल्दी से मेरे सेशन को लाइक करो बिल्कुल नहीं अगर याद हो गया है तब लाइक करो वरना बिल्कुल मत करो क्योंकि मुझे भी अपनी असलियत दिखनी चाहिए ताकि मैं और मेहनत करूं बात समझ में आ रही है तो लाइक बटन पे भाई खाली वही ही क्लिक करेगा जिसको सच में याद है याद नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है लाइक करने का सीधी बात है ना झूठी तारीफ ना हमें पसंद है ना किसी और को होती है पक्का तो मतलब कि मैं लाइक का नंबर बताऊं जितना लाइक का नंबर आप सबको दिख रहा है सिर्फ उतने बच्चों को याद हुआ है बाकी लोगों को क्यों नहीं याद हुआ मुझे बताइए ताकि मैं आपको याद कराऊं क्लास में ही मेरे लिए एक एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं याद हुआ क्या प्रॉब्लम आई अगर हमारे शब्द का एंड आर वाई से हो रहा है मैं क्लास पहले से ही लाइक कर चुका हूं <laughs> थैंक यू सो मच ये तो आपका भरोसा है कि मेरे क्लास में आएंगे तो याद होगा ही होगा बट फिर भी पता है क्या होता है मैं आपके लाइक जितने भी होते हैं ना उस हिसाब से देखती हूँ कि भाई इतने लोग आए थे इतनों को पसंद आया बाकियों को क्यों नहीं पसंद आया क्या गलती हो गई मेरे से मैं और मेहनत करती हूँ ठीक तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि आप में से इतने ज्यादा लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है थैंक यू सो मच आगे बढ़े चलिए ये चार्ट हमारा पूरा का पूरा याद हो गया है आगे बढ़ते हैं नंबर ठीक है ये हो गया अब आ जाए जब अनकाउंटेबल जब नाउन की बारी होती है तो ये तो हमने पहचानना सीखा देखो दो चीज होती है अगर मैं आपसे बोलूं चलो मैं तुम्हें तो नाउन पढ़ाना सिखाने जा रही हूं तो सबसे पहला सवाल क्या होगा अगर कोई नया स्टूडेंट हो तो मैम पहले मुझे पहचानना सिखा दीजिए पहले मैं पहचान लूं फिर उसके बाद रूल बताइएगा तो सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन को पहचानना सिखाया है ठीक अब अगर आपने एक बार अनकाउंटेबल नाउन को पहचानना सीख लिया अब मैं आपको दूसरी चीज सिखाऊंगी अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पहचानना सीख लिया, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि अनकाउंटेबल नाउन में कितने रूल लगते हैं तो जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तो रूल नंबर वन ये कहता है कि कभी भी हमारा नाउन अगर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके एंड में कभी भी एस और ई एस नहीं आएगा अगर हमारा नाउन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल है अनकाउंटेबल है मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते तो हम उसको कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं हमेशा सिंगुलर में रखते हैं सिंगुलर में रहेगा मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद में कभी एस ऐसा एस नहीं आएगा रूल नंबर वन रूल नंबर टू अनकाउंटेबल नाउन के बाद में एस ऐसा एस नहीं आएगा रूल नंबर वन रूल नंबर टू की अनकाउंटेबल नाउन अब चूंकि सिंगुलर है तो इसके संग जो वर्ब लगता है वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहता है कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा अनकाउंटेबल नाउन के संग जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा रूल नंबर टू याद हुआ परफेक्ट है रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है तो कोई भी आर्टिकल आपको दिख रहा है अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो वो गलत है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी कभी भी अनकाउंटेबल नाउन की शुरुआत में आर्टिकल नहीं आएगा मतलब कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे अ वॉटर वॉटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की शुरुआत में आर्टिकल नहीं आएगा हम कभी भी ये भी नहीं बोलेंगे एडवाइस क्योंकि एडवाइस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की शुरुआत में आर्टिकल नहीं आएगा तो कोई भी नाउन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसकी शुरुआत में आर्टिकल नहीं आता है थर्ड पॉइंट समझ में आ गया पॉइंट नंबर फोर सो पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है अनकाउंटेबल नाउन मतलब आप काउंट नहीं कर सकते और आप काउंट नहीं कर सकते हो अगर किसी चीज को तो वहां पे मैनी भी नहीं लिख सकते हो ठीक है मैनी भी नहीं लिख सकते हो फ्यू भी नहीं लिख सकते हो मैनी भी नहीं आएगा फ्यू भी नहीं आएगा आप मच लिख सकते हो मच बिल्कुल सही है आप लिटिल भी लिख सकते हो लिटिल भी आपका बिल्कुल सही है मच भी सही है लिटिल भी सही है मैनी और फ्यू गलत है मच भी सही है लिटिल भी सही है तो ये चार रूल हैं। आप जो कुछ भी सीखोगे मतलब मैं बताऊँ आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है और अनकाउंटेबल नाउन आया है इन चार रूल्स के सिवा कोई पांचवा रूल कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया मैं सिर्फ सीजीएल की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे सीजीएल जी एल सी एच एस एल सी पी ओ स्टेनो फेज एम टी एस डिफेंस मैं हर एग्जाम की बात कर रही हूँ क्योंकि इन चारों के अलावा मैं आपको चैलेंज कर रही हूं अगर किसी भी एग्जाम में इन चारों रूल के अलावा अनकाउंटेबल नाउन में कुछ आया हो तो जरूर से मुझे मैसेज करके बताइए ठीक क्लियर है बढ़िया सा परफेक्ट तो अब चलो आगे बढ़ते हैं ये हमारा हो गया है ठीक है अब जैसे ये है अगर मैंने आपसे बोला आइडेंटिफाई काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन मैंने कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ बीच के कुछ शब्द हैं उनको येलो कर दिया है आपने सीख लिया अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन आपको सिर्फ पॉइंट आउट करके बताना है कि इसमें से कौन सा अनकाउंटेबल है कौन सा काउंटेबल है जल्दी से थैंक यू सो मच गुड़िया सोनी इतने प्यारे प्यारे मैसेज के लिए चलो देख लेते हैं शुगर मटीरियल है मटीरियल है मतलब कि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है मटीरियल है मतलब अनकाउंटेबल नाउन है एप्पल आप काउंट कर सकते हो साथ ही साथ यहाँ पे मैनी लिखा है मैनी काउंटेबल के संग आता है अनकाउंटेबल के संग नहीं आता तो यहां पे आपके सेंटेंस में हो जाएगा एप्पल बहुत बढ़िया ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन फिर से करो करते रहो करते रहो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है है ना आप देखो सिर्फ सीखने से कोई मतलब ही नहीं है कि हम मैं आपको सिखाती जाऊं सिखाती जाऊं जब तक आप इन सब चीजों को पहचानना नहीं सीखोगे कोई मतलब है ही नहीं है ना परफेक्ट स्पीड देखो भाई मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में मतलब बात मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट डरावना नहीं होता टीचर उसको डरावना बनाता है टीचर चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत खूबसूरत बना सकता है और कई बार बहुत ज्यादा डरावना भी क्या लिखा है आपने एस ऑफिशियल ने इससे पहले कई बार पढ़ने की कोशिश करी बट याद नहीं हुआ अरे यार अगर आपको याद हो गया होता तो फिर बरखा मैम कैसे मिलती और आप बरखा मैम की आर्मी में कैसे आते आ गए हो ना अब याद होगा काउंट कर सकते हैं तो countable noun सॉल्ट मटेरियल है तो अनकाउंटेबल पेंटिंग्स पेंटिंग्स यार काउंट कर सकते हैं तो countable noun हो गया कॉन्फिडेंस फील हुआ चलो अभी कैसे अभी हम और करेंगे ऐसे इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे इसको भी करिए फटाफट फटाफट देखो यार आपको खुशी होती है ना जब मैं मैं मतलब कुछ भी कराती हूँ आपको याद हो जाता है तो आपको है मुझे कैसी खुशी होती है कि जितने भी लोग लाइव हैं हर एक बंदा कमेंट सेक्शन में आंसर करे मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वो होती है सबसे बड़ी खुशी की बात तो जितने भी लोग लाइव हैं आई बिलीव कि हर एक स्टूडेंट को आंसर करना चाहिए तो आंसर करिए और बताइए क्या होगा जल्दी से जल्दी से स्पीड में आंसर करिए और बताइए क्या होगा मनी अच्छा मैं आपसे अगर बोल रही हूँ आई हैव सम मनी मैंने आप सभी से बोला आई हैव सम मनी तो क्या आप बता सकते हो कि मेरे पास कितना पैसे हैं या फिर अगर मैंने आपसे बोला आई हैव सम फर्नीचर इन माई हाउस आप बता सकते हो मेरे पास कितना फर्नीचर है या फिर कितना पैसा है आप नहीं बता सकते हो कोई एग्जैक्ट चीज नहीं बता पा रहे हो अनसर्टेनिटी है तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा वी नीड टू बाय समलून्स कहा गया हाँ तो बलून्स आपका क्या है काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन हो गया कंप्यूटर्स कंप्यूटर computer को भी हम काउंट कर सकते हैं वैसे भी एंड में एस आ रहा है एंड में एस आ रहा है तो वो काउंटेबल ही होगा क्योंकि अनकाउंटेबल के तो नाउन एंड में एस नहीं आता है ना तो ये भी आपका काउंटेबल नाउन ही होगा तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं सब लोगों को बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी तो आपकी बस टेस्टिंग होती रहेगी पढ़ाई करो टेस्ट करो यही चीज तो आपकी कमी रहती थी कि सिर्फ पढ़ाई करते रह जाते थे और बाद में पता चलता था कि बिना एप्लीकेशन के समझो जो भी किया है सब बेकार है जल्दी से अपनी स्पीड आप बनाए रखो मेरे लिए सिंपल है आप अपनी स्पीड बनाए रखो फटाफट जितनी स्पीड आपकी रहेगी उतनी जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर आपकी स्पीड अगर बनी हुई है तो बस बढ़िया है फिर तो सब कुछ आ ही जाना है परफेक्ट है परफेक्ट है कैट है कैट काउंट कर सकते हो ना कैट है ऊपर से प्लूरल है तो आ रहेगा थ्री बुक्स प्लूरल है तो आ रहेगा वाटर आप काउंट नहीं कर सकते हो तो इज आएगा पता है अगर आपने छोटे छोटे तीन तीन चार चार लाइन के सेंटेंसेस कर लिए आप देखना जो नाउन की लास्ट क्लास होगी ना उसमें मैं मैं हर एक सेंटेंस जो कराऊंगी वो मिनिमम दो से तीन लाइन का होगा मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जिस बंदे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और जिसने छोटे सेंटेंसेस कर लिए वो बड़े सेंटेंसेस तो डेफिनेटली कर लेगा बताओ क्या होगा नॉलेज हैज हैव द पावर अगर हमारे शब्द के एंड में ए जी ई आर वाई ई जी ई आई ओ एन ये सब आ रहा है तो उस चीज़ को हम अनकाउंटेबल बोलते हैं लव एक फीलिंग है फीलिंग भी समथिंग दैट यू कैन फील एंड नॉट टच तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया और स्टूडेंट्स हमारा काउंटेबल नाउन है इतना हमने कर लिया अब चूंकि अनकाउंटेबल है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर ही होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के बाद प्लूरल आता ही नहीं है हमेशा सिंगुलर आता है तो अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका सिंगुलर ही होगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है प्लूरल है तो यहाँ पे आपका प्लूरल हो जाएगा अब देखो एग्जाम में यही तो होता है कि आपके सेंटेंस में आप इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया जाता है अगर आपको छोटा पता है तो बड़ा आप अपने आप कर लोगे द पोएट्रीज रिसाइटल एट ग्रैंड लिटरली फेस्टिवल लेफ्ट ऑडियंस -bound with its profound verses. अब यही चीज आ जाती है एग्जाम में तो आपको लगता है बड़ा डिफिकल्ट सा सेंटेंस था, पर ऐसा होता थोड़ी क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए हमने मैंने आपको क्लियरली एक पूरी लिस्ट कराई थी कि अगर हमारे शब्द के एंड में होड ए जीई आर वाई ये सब आ रहा है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के एंड में कभी एस और ई एस नहीं लगता है अनकाउंटेबल नाउन आर वाई आया एक अनकाउंटेबल नाउन है अगर आर वाई एंड में आ रहा है और अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस और ई एस नहीं लगता है तो यहां पे हमने क्या देखा पोएट्रीज पोएट्री के एंड में आर वाई आता है बिल्कुल बढ़िया आर वाई आता है आर वाई एंड में आ रहा है और उसके एंड में एस और e S नहीं आएगा तो पोइट्रीज़ हमारा गलत हो गया जो यहाँ पे पोइट्रीज़ लिखा है वो गलत हो गया ठीक है द ट्रेवलर्स अराइव एट द एयरपोर्ट देयर हैवी लगेजेस फिल्ड विद क्लोथ सोवेनियर्स एंड मेमोरीज हर वैरायटी के सवाल आपके सामने आएंगे करिएगा बढ़िया बढ़िया से जल्दी जल्दी क्या होगा परफेक्ट हमने क्या देखा अनकाउंटेबल नाउन कैसे समझ में आता है ए जी ई आर वाई जब ये सब एंड में होता है तो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस और e S तो लगता नहीं है तो जो यहां पे लगेजेस लिखा है वो गलत है यहां पे सिर्फ लगेज होगा बताइए जी, लगेज होगा ना अभी मैं आपको एक और बहुत बढ़िया सी न्यूज देने वाली हूँ क्योंकि आपकी मुझे स्पीड इतनी बढ़िया लग रही है तो मैं सोच रही हूँ मैंने बोला था ना कि आपको मैं सिर्फ चीजों को सिखाऊंगी तब छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू सिखाऊंगी तीन तीन चार चार शब्दों के सेंटेंसेस होंगे लेकिन जब मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी तो छोटे से लेकर बड़े सारे सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कराऊंगी क्योंकि मुझे आपको एग्जाम में टॉप कराना है पूरे नंबर क्या होगा ंग इन टू अस अ डॉन्टिंग टास्क मतलब बड़ा डरावना टास्क था एज वी the bulky सोफा एंड एलिगेंट डाइनिंग टेबल मतलब हाउस को शिफ्ट करना बहुत ही ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था क्योंकि हमें जहाँ पे हम रहते थे हमें वहाँ का सारा का सारा सामान नए घर में शिफ्ट करना पड़ा तो बहुत डरावना एक्सपीरियंस था क्या होगा यहाँ पे फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के एंड में तो ऐसा आता नहीं है तो फर्नीचर्स में जो एस लगा है वो हट जाएगा सिर्फ फर्नीचर यहाँ पे आएगा ठीक है परफेक्ट है ठीक है मैं भी आपके संग पढ़ती हूँ आप सिर्फ आंसर करने पे फोकस करना द स्कूल सप्लाई स्टोर स्कूल का कोई सप्लाई स्टोर है ऑफ़र्स अ वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरीज बहुत लंबी रेंज स्टेशनरीज की ऑफ़र करता है फ्रॉम पेन्स एंड पेंसिल्स टू नोटबुक्स एंड आर्ट सप्लाईज ये हो गया पूरा का पूरा सवाल बताइए क्या होगा क्या होगा बताइए आई विल स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश विद बरखा मैम ओ वाओ थैंक यू सो मच आई नीड दिस कॉन्फिडेंस इन माई क्लास ये कॉन्फिडेंस oh, wow, so है मुझे जो अपने क्लास में चाहिए होता है परफेक्ट क्या होगा आपने देखा अनकाउंटेबल नाउन है स्टेशनरीज लिखा है स्टेशनरी होगा अनकाउंटेबल नाउन के एंड में कभी भी एस नहीं आता है ठीक है चलो सीजल के भी सवाल करो वो भी टीयर टू मेंस का सवाल है द फैक्ट्री फ्लोर हम्ड विद द साउंड ऑफ मशीनरीज एज वर्कर्स ऑपरेटेड ऑटोमेटेड असेंबली लाइन हमेशा एग्जाम में जो सवाल आता है ना स्पेशली मैं बात कर रही हूँ सीजीएल में फेज में स्टेनो में मतलब लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दे देते हैं वो लोग लैंग्वेज भी सिंपल नहीं रखते मेंस का है तो लैंग्वेज हमेशा ऐसे ही मिलेगी आपको प्री में थोड़ी इजी मिल जाती है कभी-कभी क्या होगा बहुत बढ़िया शब्द अनकाउंटेबल नाउन है कैसे पता चला मशीनरी शब्द के एंड में आर वाई आ रहा है ना मतलब अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद में कभी भी एस और ई एस नहीं लगेगा तो मशीनरी एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके भी एंड में एस और ई एस नहीं लगेगा तो ये आपका गलत हो रहा है ठीक परफेक्ट आगे बढ़ते हैं इन दोनों को करिए इस बार दो सेंटेंसेस हैं मैं पूरा टाइम आपको दे रही हूं बढ़िया से इतमान से करिए लेकिन आंसर सभी को देना है चलो देखते हैं इसमें कितने लोगों के आंसर एकदम बढ़िया से सही आए हैं कहाँ गए मैडम आप यार पानी पीने चले गए थे बहुत तेज प्यास लग रही थी द टूरिस्ट ऑफिस प्रोवाइडेड फिर से वही चीज है है शब्द के एंड में ION आ रहा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं आता अब आपको समझ में आया कि वो पूरी लिस्ट नहीं होती है जो हम लोगों को अलग से याद करनी है अगर हमारे पास छोटा सा है तो वो हो जाएगा ठीक है तो ये आप लोगों का सही हो गया परफेक्ट है Seeking advices, फिर से वही चीज है एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के एंड में एस नहीं आएगा तो ये भी यहां से भी आपके में एस हट जाता है फिर से, इन दोनों questions का करिए। बहुत बढ़िया अच्छा मैं इसके बाद आप लोगों से एक चीज पूछूंगी फिर आगे बढ़ेंगे अभी तो काफी क्वेश्चंस हैं। पहले मुझे एक बात बताओ सभी लोग कि चलो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करो फिर मैं आपसे पूछूंगी ठीक है अट्रैक्शन अट्रैक्शन के भी एंड में तो आईओएन एन आ है तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ है ना इसको करें सभी लोग एज चिल्ड्रेन बी ऑफन गॉड इन टू मिस द कोजी माउंटेन्स कैबिन वी रेंटेड फॉर द वीकेंड हैड रस्टिक चार्म एंड इंक्लूडेड ऑल द नेसेसरीज क्रॉकरीज क्रॉकरी आर वाई एंड में आ रहा है मतलब अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है तो एंड में एस और एस नहीं आएगा सिमिलरली mischief मतलब शैतानी, और शैतानी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके भी एंड में इसके भी एंड में एस नहीं आएगा तो यहाँ पे भी ये गलती है अच्छा एक बात बताओ फिर हम आगे बढ़ेंगे संडे को आप सभी को मैंने कल बताया था संडे को इस बार कैसा लग रहा है पहले मेरे से पढ़ के कैसा लग रहा है आप लोग सब लोग चाहते हो संडे को एक बढ़िया सी मैराथन लगाई जाए इंग्लिश की हाँ या ना संडे को अंग्रेजी की एक मैराथन लगाई जाए आप लोगों के प्यार और मोहब्बत इस बार मुझे संडे को भी अलग नहीं रहने दे रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इतने बढ़िया रिस्पॉन्स वाले स्टूडेंट्स को संडे को भी एक मैराथन लगा के दी जाए तो संडे को सुबह दस बजे मैंने इंग्लिश की मैराथन तो रख दी है लेकिन मुद्दे की बात यह है कि टाइटल क्या है ये आप लोग बताओगे गेस करो मैं दो घंटे पूरी मैराथन चलेगी और मैं उसमें क्या पढ़ाऊंगी गेस करो जल्दी से सभी लोग बढ़िया से क्या पढ़ाऊंगी एनी गेसेस संडे को सुबह दस बजे मैं इंग्लिश की मैराथन में आपको क्या पढ़ाने वाली हूं समथिंग मैं एक हिंट दे रही हूं आपको कुछ ऐसा जिससे यू विल फील लाइक होता है ना कि आई विल फॉल इन लव विद टॉपिक तो ऐसा कौन सा टॉपिक होगा ऐसा कौन सा टॉपिक होगा जिसको देख के आप बोलो कि मैम आई एम फॉलिंग इन लव विद टॉपिक एनी गेसेस 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 करते जाइए दिनेश आपकी प्रॉब्लम का अभी सोल्यूशन लिया जाएगा लेकिन एक बार इस बैनर को सभी लोग देखो एसएससी में बार बार पूछे जाने वाली वो कैबलरी दो घंटे लगातार आपकी ये मैराथन चलेगी एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो चाहे सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ स्टेनो एमटीएस फेज का कोई भी एग्जाम ये जो मैराथन है ये आपके लिए रामबाण साबित होगी और ये मैं कह नहीं रही हूँ कि मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ नहीं आप खुद आओ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो इस्तेमाल तो आपने कर ही लिया लेक्चर तो आपने अटेंड कर ही लिया है तो ये आपकी मैराथन होने वाली है एक बार मुझे ये बताइए कि, कि कितने लोग इस मैराथन के लिए मतलब सच में सुबह दस बजे आने वाले हैं चलो आपको चलो समय याद कराती हूँ तो जितने भी लोग दस बजे मुझे इस मैराथन में मिलने वाले हैं एकदम टाइमली एकदम टाइमली तो वो लोग कमेंट सेक्शन में टेन ए एम लिख के दिखाइए आप में से जितने भी लोग मैराथन में मिलने वाले हैं एक बार कमेंट सेक्शन में टेन ए एम लिख के दिखा दो आपको इतनी मजा आने वाली है इस बार संडे को सुबह दस बजे कि मतलब होता है ना कि मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया तो सबका दिल गार्डन गार्डन करने वाला है संडे को दस बजे दस बजे अब नहीं मैं नहीं लिखना है आपको टेन ए एम लिखना है टेन ए एम लिखोगे तो टाइम याद रहेगा संडे को क्लासेस नहीं होते ना तो जब कोई नया टाइम होता है तो उसका फोन में अलार्म लगा लिया करो ताकि आपको याद रहे वो टाइम संडे सुबह दस बजे ठीक है परफेक्ट चलिए अब इसी बात पे दो क्वेश्चंस और करते हैं अच्छा ये वाला सवाल पूछ रहे हैं कि मैम मिशीव में तो मिशीवियस दो बार लिखा है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना किसी बंदे का ये सवाल था कि मैम इस वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे दो बार लिखा है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने दीजिएगा ये आपका नाउन है लेकिन ये आपका नाउन है ही नहीं ये तो आपका एडजेक्टिव है कैसे पता चला ये एडजेक्टिव है टेंडेंसीज टेंडेंसी एक नाउन है और टेंडेंसी कैसी है टेंडेंसी मिशीवियस है तो जब भी किसी नाउन के बारे में कोई शब्द हमको बताता है तो वो शब्द एडजेक्टिव होता है तो ये वाला मिशीवियस तो नाउन है ही नहीं ये एडजेक्टिव है इस वजह से यहां पे ऐसा आ सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकता आई गेस दिनेश का ये सवाल था दिनेश क्लियर हो गया चलिए इसी बात पे ये लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए बहुत ही ज्यादा स्पीड में करिएगा दे आर लवस फॉर ईच अदर लव क्या है एक फीलिंग है एक इमोशन है अब्सट्रैक्ट नाउन है और अब्सट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन के एंड में ऐसा आता नहीं है आई प्रिफर माई कॉफी विदाउट शुगर्स नहीं होगा शुगर क्या है एक मटीरियल है और मटीरियल नाउन है और मटीरियल नाउन के एंड में तो ऐसा आता नहीं है तो शुगर हमारा एज इट इज यूज़ होगा शुगर की तरह में शुगर्स नहीं आएगा यहाँ पे शुगर एज इट इज शुगर की तरह ही यूज़ होगा ठीक है पक्का जी चलिए तो फिर एक और सवाल कर लेते हैं यार आपका ना सवाल ओवर करने का मन ही नहीं करता है। मन करता है कि करते रहे करते रहे चलिए मैं ट्वेंटी करा देती हूँ फिर ओवर करूंगी पूरे बीस है ना द क्रिस्प माउंटेन एयर फिल्ड आर लंग्स एज वी हाइक टू द समिट समिट मतलब ऊंचाई होता है द बुक शॉप ओनर ऑफर्ड वैल्यूएबल एडवाइसेस ये तो यार बहुत सिंपल है एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन के एंड में ऐसा आता नहीं है क्रिस्प माउंटेन एयर 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 वाटर वाटर डस्ट डस्ट अगर हम बात करते हैं हवा की तो क्या हवा का प्लूरल हो सकता है नहीं हो सकता है हवा का प्लूरल हो सकता है नहीं हो सकता है अब हमारा जो एयर्स है एयर्स प्लूरल है ना गलत है एयर air होगा एयर्स नहीं होगा ठीक है Perfect है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन के लिए फिर स्पीड भी एकदम लास्ट क्वेश्चन वाली होनी चाहिए तो एकदम बढ़िया से speed के संग इसका answer करके दिखाओ। का मतलब होता है फोन में भी देखो पेनोरोप का एक मोड होता है तो उस मोड का काम क्या होता है कि पूरा थ्री डिग्री विजन लेता है वो मोड तो यहाँ पे हो जाएगा व्यू मेकिंग इट परफेक्ट रोमांटिक गेटवे उसको परफेक्ट रोमांटिक गेटवे बनाता है उसका जो पेनोरोमिक मोड होता है मतलब पूरा वो कवर करता है अनकाउंटेबल नाउन क्या है सीनरीज अब यहां पे ऐसा आ रहा है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है ना और अनकाउंटेबल नाउन के एंड में ऐसा आता नहीं है तो ये गलत है सीनरी हो जाएगा मैथ्स इट बाकी आप सभी लोगों को इंग्लिश की मैराथन का टाइम तो रट गया है रीजनिंग की मैराथन ठीक इंग्लिश के बाद शुरू हो जाएगी बारह से दो फिर आपकी जीएस की होगी फिर मैथ्स की होगी इंग्लिश की शुरू होगी सुबह 10 बजे संडे को तो जरूर से मुलाकात करिएगा क्योंकि ये मैराथन में मैं आपको इतनी चीजें क्लास में रटा दूंगी वैसे आपको अगर जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ अगर सारा का सारा क्लास में याद हो जाता है तो जरूर संडे की मैराथन में मिलिएगा क्योंकि एक्चुअल में आपको उसमें भी सब कुछ याद हो जाएगा ठीक है और आज डेट कितनी है आज डेट है मेरे हिसाब से 27 डेट है आज ट्वेंटी सेवन डेट है ट्वेंटी नाइन्थ को ये ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ हो रहा है स्टडी लैब ऐप पर जितने भी पेड कोर्सेज़ हैं सारे पेड कोर्सेज पे पच्चीस परसेंट का ऑफ़ मिल रहा है ट्वेंटी सेवन तो ख़त्म हो गया ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन दो दिन और ये ऑफर चलेगा और कोड है इसका देवी ट्वेंटी फाइव कोड है इसका देवी ट्वेंटी फाइव देवी ट्वेंटी फाइव आप ये कोड लिखोगे आपको तुरंत पच्चीस परसेंट का ऑफ मिल जाएगा और दो दिन के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा ठीक है तो जिसको मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़नी है ग्रामर कॉम्प्रीहेंशन पैरा जंबल क्लोज टेस्ट वोकैबलरी ईडीएम स्पेलिंग्स फ्रेजल वर्ब सब कुछ तो बहुत जितने भी कोर्सेज आपको दिखेंगे हर कोर्स पे आपको ऑफ है कंप्लीट कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको मेरा अमन सर का स्वप्निल मैम का उत्कर्ष सर का सबका मिलेगा और वो भी दो दिन और ऑफर है तो जिसको भी इसका इसको ऑफर का यूज करना है जल्दी करिएगा दो दिन में खत्म हो जाएगा बाकी 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 संडे को दस बजे का टाइम भी याद रखिएगा ठीक है अब बरखा मैम की आर्मी में कितने लोग आ गए देखो मैं अपनी प्यार से मोहब्बत से और उसके साथ ही साथ अपने नॉलेज नॉलेज के दम पे कौन कौन मेरी टीम में होना चाह रहा है तो जितने लोग भी मेरी टीम में होना चाह रहे हैं एक बार तो कमेंट सेक्शन में आपको ये लेक्चर कैसा लगा आपको अपनी इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है उसमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये सारी चीजें लिखिएगा जितने लोगों ने कॉमेंट किया वो सब मेरी टीम में वैसे भी होते जाते हैं क्योंकि मुझे सबका नाम रटता जाता है ठीक है ओके क्लॉज क्लॉज भी कवर हो जाएगा दिनेश आगे किसी मैराथन में इसमें वोकैबुलरी पढ़ाते हैं जम के ठीक टाटा बाय बाय टेक केयर एवरीवन